हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज हम बात करने वाले प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का यूज नहीं होता है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन शरीर के किसी दूसरे टिश्यू के हिस्से को लेके दूसरे हिस्से में जोड़ता है। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें मानव शरीर को आकर्षक, सुधारा या नया रूप प्रदान करके उनकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी मुख्य रूप से चेहरे और शरीर के विकार को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, जो किसी दुर्घटना या जन्म विकार, जलन या किसी बीमारी के कारण होता है। कुछ साल पहले प्लास्टिक सर्जरी को टैबू के रूप में देखा जाता था। अपने शरीर को बदलना या उम्र को किसी सर्जरी के द्वारा छिपाना एक शर्मसार कार्य समझा जाता था। हालांकि लोग प्लास्टिक सर्जरी कई कारणों से अपनाते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना, जवान दिखना। जब प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात आती है तो इस पूरे भारत में दिल्ली सबसे बेहतर जगह है। साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी कराने में सबसे आगे रहता है और इस देश को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कोरिया के लोग खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। चूंकि प्लास्टिक सर्जरी फेस के आसपास के अंगों पर किया जाता है, इस वजह से कई बार आसपास के अंग की मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। कई बार प्लास्टिक सर्जरी में दी जाने वाली दवाई का व्यक्ति के अंग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ जाता है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के निशान समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों में ये निशान लंबे समय तक बने रहते हैं। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।